उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और अमेरिकी सैनिकों ने किसी आतंकवादी घटना से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। खड़ी चट्टानों के ऊपर कब्जा किए आतंकवादियों पर किस तरह काबू पाया जाए, ये भारतीय सैनिकों ने अमेरिका से आए 350 प्रशिक्षित फौजियों को सिखाया। वहीं अपने हाईटेक उपकरणों के लिए मशहूर अमेरिकी फौज ने भी भारतीय फौज को लेटेस्ट तकनीक से रूबरू करवाया। सवेरे से ही भारतीय और अमेरिकी फौजी सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आए। ये सब 15 गढ़वाल रेजिमेंट के माउंटेन क्लाइंबिंग एरिया की तरफ कूच कर रहे थे। यहाँ शुरू हुआ वो प्रशिक्षण जिसमें भारत वर्षों से जूझते हुए निपुण हो चुका है। ये युद्ध अभ्यास 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें वैश्विक और घरेलू आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देश अपने अनुभव और तैयारी को साझा कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास में अमेरिका के लगभग 350 सैनिक और इतने ही भारतीय सैनिकों ने एक साथ चौबटिया नामक ट्रेनिंग सेंटर में युद्ध अभ्यास किया। Truly understand the strength of the Indian Army, as you saw in this demonstration today. Those are amazingly fit soldiers. They're amazingly well led. And so what we're taking away from this, from the American Army's point of view, is that the Indian Army is a tremendous partner. When the soldiers get out and train with General Singh's soldiers, we'll learn their techniques, tactics, and procedures to do this most difficult of tactical tasks, which is to assault uphill on some of the most difficult terrain imaginable against a defended enemy. So this scenario truly favors the defender. And as you saw in that execution, this is what right looks like. देखा होगा demonstration में हम अभी उस तरह की कार्रवाई के करने के लिए बहुत माहिर हो गए हैं। आपने देखा होगा तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ये पहाड़ जो है जवानों ने 15-20 मिनट में ही पूरा करके एकदम ऊपर पहाड़ी तक चढ़ने तक वो एकदम फिट थे और अपनी पूरी कार्रवाई बहुत दुरुस्ती से उन्होंने की है। तो अब हमने इसमें बहुत माहिरता हासिल कर ली है। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा मौका आएगा तो हम उसमें बहुत दुरुस्ती से काम कर पाएंगे। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।